दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पीएनजी पाइप वाले रसोई गैस के दाम अक्टूबर में 10 से 11% तक बढ़ सकते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित गैस के दाम करीब 76% बढ़ने वाले हैं, जिसका असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर भी पड़ेगा। सरकार गैस अधिशेष वाले देशों की दरों का इस्तेमाल करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जैसी कंपनियों को नामांकन के आधार पर दिए गए क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की कीमतों की सरकार प्रत्येक 6 माह में समीक्षा करती है। अगली समीक्षा 1 अक्टूबर को होनी है और बॉकरेज कंपनी ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक APM या प्रशासित दर बढ़ाकर $3.15 प्रति इकाई हो जाएगी। यह अभी $1.79 प्रति इकाई है।